हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, यूनिट सिक्स, एक्सरसाइज 6.1। स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं, है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेंट क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है ना, और क्रॉस, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हम क्रॉस का चिन्ह क्यों लगाते हैं, है ना, वो सब बातें हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए, 3 × 5 है, इक्वल है, इधर 3 है स्टूडेंट, जैसे हमने आपको माइनस और प्लस में समझाया था ना, तो सेम वही है इसमें भी, है ना, वही रूल अपनाएंगे। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ 3 × 5 में कर दी तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और इक्वल लाने के लिए इधर भी 15 चाहिए तो यहाँ भी 3 है, तो 3 × 5 में ही तो करेंगे तभी तो 15 आएगा, है ना, तो दोनों जब एक जैसी मल्टीप्लाई होगी तो एक जैसा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है स्टूडेंट। या आप इन क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 15 आ गया। तो स्टूडेंट जो भी इसमें डिजिट है यहाँ पे उससे से डिवाइड कर दीजिए, 3 × 5 = 15। तो स्टूडेंट जो भी आंसर आएगा वो उसे आप यहाँ लिख सकते हैं, और अगर आप ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप देख लेंगे जो डिजिट इस साइड है, इस साइड नहीं है, वही लिख देंगे, ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट, ये बी में 3 डिजिट है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, अब इक्वल के बाद में इधर 2 डिजिट है, एक नहीं है, तो कौन सी नहीं है, वो 2 नहीं है, है ना, तो स्टूडेंट आप इधर से देख के 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। अब स्टूडेंट हम जानते हैं अगर किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही डिजिट या वही नंबर आता है, है ना। तो स्टूडेंट देखिए, इसे हमने 315 को कैसे मल्टीप्लाई किया कि आंसर 315 ही आ गया, है ना। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कैसे किया, 1 से, अगर हम किसी 1 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही डिजिट आती है, ठीक है। ये स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, 315 को 315 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब 414 को किस चीज से मल्टीप्लाई किया कि आंसर 0 आ गया, ठीक है जी। स्टूडेंट हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 ही आएगा, तो स्टूडेंट हमने इसे 0 से मल्टीप्लाई किया था तो इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए, स्टूडेंट देखिए 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, अब मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करना, तो आप एक मिनट के लिए ना सोचिए, यहाँ पे 1 नहीं है, ये 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, 1 है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम की सेम डिजिट आंसर आएगा, 3 × 5 = 7। अब 1 0 है तो स्टूडेंट 1 0 यहाँ लगा देते हैं 1 की साइड, ठीक है जी, तो ये आंसर आ गया। तो कहने का मतलब है अगर 10, 100, 1000, है ना, 10,000 से मल्टीप्लाई होनी, तो स्टूडेंट जो जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई करें उसे सेम का सेम लिख के जितनी 0 मल्टीप्लाई में उतनी लगा देंगे, ठीक है जी। अब ये वाला देख लीजिए, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम किसे कर रहे हैं, 843 को मल्टीप्लाई कर रहे जी, है ना, तो इस हमने सेम का सेम लिख दिया, या तो आप लोग सोच लीजिए स्टूडेंट सेम का सेम लिख दिया, या फिर ऐसे सोच लीजिए 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर सेम का सेम आ गया, एक ही बात है, है ना। अब कितनी 0 है, 1 0 है, तो 1 0 लगा देंगे तो आंसर आ गया, नहीं तो स्टूडेंट आप इसे कॉलम में अरेंज करके ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा,
अब स्टूडेंट यहाँ पे वन है, वन्स प्लेस पे जीरो है, यहाँ पे वन की जगह फाइव है, तो स्टूडेंट हम फाइव की और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इस जीरो को छोड़ देंगे, है ना, इस जीरो को भूल जाइए कि ये जीरो है नहीं, ऐसे थ्री टू जीरो फोर मल्टीप्लाई फाइव, स्टूडेंट आप भूल जाइए कि यहाँ पे जीरो है, है? तो फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव टू जा टेन कैरी वन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन और वन सिक्सटीन। ओके स्टूडेंट, अब ये आंसर आ गया, अब इस आंसर को यहाँ लिख दीजिए, वन सिक्स जीरो टू जीरो। ओके स्टूडेंट, अब एक जीरो ये भी है आपके पास जो हमने भूल गए थे, इस जीरो को स्टूडेंट यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है जी, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आ गया। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहां भी यही है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, इस डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जीरो को छोड़ देंगे। अगर आप जीरो के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे रख के तो काफ़ी बड़ा होता है ना, तो देखिए 5 2 6 4 मल्टीप्लाई बाई 5 5 4 20 कैरी 2, 5 6 30 2 32 कैरी 3, 5 2 10 और 3 13 कैरी 1, 5 5 25 और 126। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया, है ना, तो हमें एक स्टेप बच गया हमारा। अब ये जीरो है तो यहाँ एक जीरो आप ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, एक जीरो यहाँ पे लिख देंगे। तो स्टूडेंट दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। देखिए 362 को 360 से मल्टीप्लाई करना, तो स्टूडेंट हम 360 से मल्टीप्लाई ना करके 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी, तो देखिए कैसे करेंगे। थ्री सिक्स टू मल्टीप्लाई 36, ठीक है जी, तो स्टूडेंट हम 6 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 2 6 12। ये स्टूडेंट आप यहाँ 2 लिख रहा था, आप 2 लाइन ड्रा कर सकते हैं, 6 1 6 6 2 12 कैरी 1, 6 6 36 और 1 37 3 और 6 3 18 और 3 21, अब 3 से कर लीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस आया है, ये क्रॉस क्यों आया, कहाँ से आया स्टूडेंट, ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया है, बताया है, ठीक है जी, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। अब 3 2 6 और 3 6 18 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10 2 13 कैरी 1 0 3 1, तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया। वन वन थ्री जीरो टू, अब स्टूडेंट एक जीरो हो रहा है, इसे और यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है जी, तो अब स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन है ना, तो स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2 0 है, इन 2 0 को आप छोड़ देंगे, इनसे नहीं करेंगे, यहाँ 3 है, सिर्फ 3 से ही करेंगे, 7 8 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 3 8 24 कैरी 2, 3 7 21
22, 23 तो इंस्टेंट ये आंसर आ गया आपका 2, 3, 4, 9 और इंस्टेंट ये 2 0 1 2 0 आप यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन है सी वाला, देखिए इसमें 500 से करना, तो ये 2 0 छोड़ देते, 5 से करेंगे, 5 3 15। ओके स्टूडेंट, 5 की 3 में मल्टीप्लाई कर दी, 15 आ गए, आगे 0 है तो केरी नहीं लगाते, पूरा का पूरा ऐसे लिख देते हैं, 5 4 20 केरी 2 और 5 2 10 और 2 2 है। अब स्टूडेंट 2 0 है, ये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये वाला डी वाला, इसमें 800 से करना तो इसकी भी 2 0 छोड़ के 8 से कर लेंगे, 8 2 16 कैरी 1, 8 4 32 और 1 33 कैरी 3, 8 8 64 64 और 63 कितने हो गए, 67 कैरी 3, 8 3 24 और 6 30 स्टूडेंट 2 0 यह है, 2 0 ये भी ऐड कर दी जाएंगी, तो स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट देखिए यहां 1 से मल्टीप्लाई है, अगर 1 0 से मल्टीप्लाई है तो जो भी जिस मल्टीप्लाई डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे सेम का सेम लिखेंगे। ठीक है जी, अब इसमें 3 0 है, 3 0 ऐड कर देंगे, हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया जी। अब स्टूडेंट ये 3 0 छोड़ देंगे, 7 से 7 के 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 28 कैरी 2। ओके स्टूडेंट, अब 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 6 24 और 2 26 कैरी, फिर 2 ही रहेगा स्टूडेंट, 12 3 4 12 और 2 14। अब ये 3 0 है स्टूडेंट, अब ये 3 0 लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये आपका सवाल होगा, अगर आपसे ऐसे नहीं मल्टीप्लाई होते तो आप स्टूडेंट ऐसे ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब स्टूडेंट सी वाला क्वेश्चन, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब 5 की मल्टीप्लाई 7 में कर लेंगे, 5 7 35 कैरी 3 और 5 2 10 और 3 13 कैरी 1 और 5 3 15 और 1 16 कैरी 1 और 5 5 25 और 1 26। अब स्टूडेंट 3 0 है, ये 3 0 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो हो गया, देखो कितना कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसे बहुत छोटा सा कर लिया। स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते है ना, तो कितनी लंबी मल्टीप्लाई होती है, होती ना, तो अगर आप इसने 0 छोड़कर ये इस पर का शॉर्ट मेथड से कर लिया। ठीक है जी, अब स्टूडेंट 7 से करेंगे, ये 3 0 छोड़ देंगे। स्टूडेंट बीच की 0 नहीं छुटती, हमेशा याद रखें, पहले वाली वंस की साइड से जो शुरू होंगी वही 0 छुटेंगी। अगर मान लीजिए ये 105 लिख रहा है ना, आप सोचने लगे कि भैया बीच की 0 छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होने का, जो वंस की साइड से शुरू होंगी लगातार आएंगी वही छोड़नी। अब स्टूडेंट 6 का टेबल 7 बार टाइम पढ़ लिया, 6 का टेबल 7 टाइम पढ़ लीजिए। स्टूडेंट अगर आपसे टेबल नहीं आते तो हमने टेबल बनाने बता रखे हैं, अभी स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, 1 टेबल 3 मेथड है ना, तो आप 3 3 प्रकार से टेबल बनाने सीख सकते हैं। पहले टेबल बना के लिख लीजिए बराबर में, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए।
और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको स्टूडेंट सिर्फ जीरो से नाइन तक के टेबल ही आने चाहिए और कोई भी नहीं, ठीक है। कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई हो तो आप सिर्फ नाइन तक के टेबल ही याद करेंगे मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है जी। ये नहीं कि भाई इतना इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा कि इस पर हमें इतने से करना तो हमसे 18 का टेबल नहीं आता या 21 का नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है जी। नाइन तक के टेबल की आवश्यकता है मात्र। 7 6 42 कैरी 4, 7 9 63 और 63 और 4 67। ओके स्टूडेंट, आगे जीरो है तो कैरी लगाने की आवश्यकता नहीं है, सेम का सेम लिख देते हैं। और 7 2 14। अब स्टूडेंट ये तीन जीरो रह गई थी, तीन जीरो यहाँ पे लिख देंगे आप। तो ये कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5। तो स्टूडेंट देखिए, से आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो जिस डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे सेम का सेम लिखेंगे। अब स्टूडेंट 20 है, 20 को यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ भी 20 है ना, छोड़ देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट किसी भी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उस संख्या में वही संख्या ऐड करना। देखियो ऐसे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो उस संख्या में वही संख्या ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो स्टूडेंट आंसर वही आएगा जो 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। क्या इस बात को याद रखें, अगर 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो इसी डिजिट को इसी डिजिट में ऐड कर दीजिए, तो स्टूडेंट सेम का सेम आंसर आ जाएगा। एक जीरो तो स्टूडेंट इसमें सी की थी, इसकी आई थी ये नहीं, और एक 20 ये है, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। कभी कभी कंफ्यूज होता है कि भाई 20 लगानी थी तो इसकी 10 भूल जाते हैं, है ना। तो याद रखें जिसे पूरे लिख के फिर इसकी बाद में 20 ऐड करनी होती है। ओके स्टूडेंट, अब ये 10 से है तो सेम की सेम डिजिट लिख देते हैं जिसे मल्टीप्लाई करना। ये लिख दी पूरी 0 तक, तो 10 इसकी लगनी 10 की, ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28 कैरी 2। अब नेक्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 2 26 कैरी 2 और 4 3 12 2 40। ओके स्टूडेंट, और 20 यहाँ, 20 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक होगा जी। अब स्टूडेंट 6 का ए, स्टूडेंट ये 10 से है, 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है सेम की सेम डिजिट लिख दो। अब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 में 0 होती है, 0 यहाँ लगा दीजिए। इसमें स्टूडेंट 100 से कर रहे हैं तो ये भी सेम का सेम लिख जाएगा, जो डिजिट यहाँ आया वही सेम के सेम आंसर में आएगी, और ये 20 इसमें लगा दें, ठीक है जी स्टूडेंट। अब 800 से करना 19 को, तो 20 छोड़ देंगे, 8 से करेंगे, 8 9 72 कैरी 7। तो स्टूडेंट 8 1 8 और 5 15। अब स्टूडेंट 20 यहाँ ये लगा देंगे। अगर आप स्टूडेंट 9 का मैजिक टेबल देखना चाहते हैं तो 9 का मैजिक टेबल भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप 19 का
19 का मैजिक टेबल वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, 19 का भी 9 का भी। ठीक है स्टूडेंट, 15 का मैजिक टेबल, 5 का मैजिक टेबल भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा प्लेन लिस्ट से। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखिए इधर भी 3 जीरो है, इधर 1 जीरो है, तो अभी ये जीरो भी छोड़ देंगे और ये जीरो भी छोड़ देंगे, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, अब कितनी जीरो हो गई, 1 और 3 है, 4 जीरो हो गई, तो स्टूडेंट हम यहाँ 4 जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जी हमारा एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज थोड़ी छोटी थी, तो इसी में हमने एक्सरसाइज 6.2 को भी ऐड कर दिया। ठीक है जी, 6.2 थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट, तो इसे भी इसी में कर लेते हैं। तो जी एक्सरसाइज 6.2 है, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है स्टूडेंट। जो देखिए मल्टीप्लाई द फ्लोइंग, ये नीचे क्वेश्चन दिए हैं, सबको आपको मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बाय लिख रहा तो मल्टीप्लाई का मतलब, बाय का मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऐसा नहीं। अगर ऊपर डिवाइड लिखा होता तो बाय का मतलब डिवाइड ही होता, ठीक है, जो भी ऊपर क्वेश्चन में लिखा होता है वही होता है। ठीक है, तो आप इसे करेंगे पहले 3 2 4 मल्टीप्लाई 2 2। ओके स्टूडेंट, ऐसे करेंगे। ठीक है जी, अब 2 का टेबल आपको 4 टाइम पढ़ना है स्टूडेंट। सबसे पहले आपसे 2 का टेबल आना चाहिए, 2 4 8। ठीक है जी, ये 4 लिख रहा ना, अगर आपसे 2 का नहीं आता, भूल गए, तो 4 का आता है, तो आप 4 2 8 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसे छोड़ दीजिए, ये होगा। अब इसका टेबल 2 टाइम पढ़ना जो नेक्स्ट डिजिट है, तो स्टूडेंट 2 2 4, अब ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो नंबर है 2 का टेबल इतनी बार पढ़ना है, जो पहली डिजिट होती है इसका टेबल इन सब पे पढ़ना होता है, 2 3 6। ओके स्टूडेंट, हमने बताया था आपको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो इसी डिजिट को इसमें प्लस कर दो, 4 4 8, 2 2 4 3 3 6, है ना, तो स्टूडेंट ऐसे भी आता है। और जो पहली डिजिट है उसके नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा दिए, ठीक है जी, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब स्टूडेंट देखो, आपने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करी और नेक्स्ट डिजिट भी आपके पास 2 ही है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो जो ऊपर मल्टीप्लाई हुई वही मल्टीप्लाई देख के आप नीचे लिख देंगे। तो स्टूडेंट लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एक बॉक्स में एक लिखें और डिजिट के नीचे डिजिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 2 8 और आपने 8 को यहाँ लिख दिया और इसके नीचे कुछ भी नहीं रहा, तो ऐसे करोगे तो जब ऐड का टाइम आएगा तो आपका क्वेश्चन ऐड गलत हो जाएगा फिर। तो स्टूडेंट हमें ये डिजिट लिखनी क्योंकि हमें दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करनी, 8 4 6। ठीक है जी, 8 का 8, 8 4 12, कैरी 1, 4 4 10 और 1 11, और जी 6 और 1 7। ओके स्टूडेंट, हो गया क्वेश्चन सही। अब नेक्स्ट ले लीजिए 5 6 7, 1 1 मल्टीप्लाई। स्टूडेंट आप जानते हैं 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो ऊपर डिजिट होती है सेम की सेम नीचे आ जाती है, तो इसलिए ही प्रॉपर्टीज को याद करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वे जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उस समय काम आती है। पहले तो हम सोचते हैं इनका, अरे इन्हें याद करके क्या फ़ायदा होगा, है ना, अपना टाइम बर्बाद कर रहे, नहीं स्टूडेंट उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी होता है ना। देखो अब हमें याद है कि 1 से मल्टीप्लाई करके सेम की सेम डिजिट आ जाएगी, जिससे वही नंबर आएगा जिससे मल्टीप्लाई किया है ना। तो स्टूडेंट अब यहाँ पहली डिजिट के नीचे क्रॉस आएगा, अब फिर 1 से ही मल्टीप्लाई है तो सेम का सेम फिर आ जाएगा, ऐसे ही 7 3 12 6। ओके स्टूडेंट, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। तो जी अब क्या करना है आपको, 6 5 7 1 0 1 ये मल्टीप्लाई करना। ठीक है स्टूडेंट, आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ वही नंबर आंसर होगा, 7
5, 6। अब सेकेंड डिजिट भी आए तो 1 डिजिट के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, है ना, सिर्फ इसके नीचे लगाएंगे स्टूडेंट, यहाँ नहीं। कभी कोई दर बराबर में लगा दे तो गलत हो जाएगा सर, आंसर गलत आएगा। तो जो डिजिट है उसके नीचे ही आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब स्टूडेंट आप जानते हैं, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मल्टीप्लाई की, अगर जीरो से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो सारे नंबर जीरो ही हो जाएंगे। 0 7 0 और 0 5 0 और 0 6 0। अब स्टूडेंट जितने नंबर बढ़ते जाएंगे इतने ही नंबर क्रॉस आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब हमें फिर 1 से करनी तो यहाँ पहले 1 क्रॉस था, यहाँ 2 क्रॉस आ जाएंगे। अगर 1 और होता फिर 3 क्रॉस आ जाते स्टूडेंट। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी तो सेम डिजिट आ जाएगी जो यहाँ थी, यहाँ भी तो हमने 1 के साथ की थी ना, तो स्टूडेंट 7 5 6 तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऊपर डिजिट है सेम के सेम लिख देंगे। अब इन जो दोनों लाइन के बीच में डिजिट होते हैं उन्हें ही ऐड करते हैं बस, है ना, इन्हें ही ऐड करते हैं। 7 और 6 13 कैरी 1 5 1 6 और G6। ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर आपका कंप्लीट होगा। अगर स्टूडेंट इनका एक चेकिंग मेथड भी है, हम आपको इसका एक चेकिंग मेथड समझाएं। मान लीजिए स्टूडेंट ये 12 है, फिर मल्टीप्लाई आपने 5 से कर दी तो क्या आगा, ये 60 आगा। अगर स्टूडेंट आप ये चाहते हैं कि आप ये देख रहे हैं कि भाई हमारा सवाल सही है गलत है, तो आप इस 60 को 5 या 12 में से एक में से डिवाइड कर दो। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, अगर इन दोनों में से एक भी आंसर आता है तो आपका मल्टीप्लाई का सवाल सही है, अदरवाइज गलत है। देखिए आप 5 से मल्टीप्लाई करी, 5 1 5 कैरी 1 बच गया, 5 में 6 में से 5 जाकर उतार लिया, 10 5 2 10। तो स्टूडेंट देखिए 12 आ गया 5 से मल्टीप्लाई करी, तो अगर आप 60 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 60। तो स्टूडेंट आप ऐसे चेक कर सकते हैं अपने मल्टीप्लाई के सवाल को कि ये सही है या गलत है। टू 9 3 6 2 8 7। ओके स्टूडेंट, अब आप इसे सोल्व कर लेंगे। सेवन का टेबल 6 टाइम पड़ेगा, 6 का टेबल 7 टाइम पड़ेगा, कितने होता है स्टूडेंट 42 होते हैं। तो हम यहाँ पे 42 नहीं लिख सकते, हम ऐसे 42 नहीं लिख सकते, अगर हमने ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो जो वंस की साइड होता है तो उसे ही लिखते हैं, जो उसकी साइड होता है उसे ही लिखते हैं, और जो हमारे पास बच जाएगा 10 प्लेस पे होगा वो हमारे पास कैरी के लिए होगा। तो स्टूडेंट फिर जो नेक्स्ट डिजिट है 7 का टेबल हम उतनी टाइम पढ़ेंगे, कितना होगा 7 3 21। ओके स्टूडेंट, 7 3 21 और हमारे पास 4 कैरी पहले से ही है, आप इन्हें इसमें ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 25। तो इसके वंस पर क्या आया 5। अब स्टूडेंट क्या बच जाएगा 2 आपके पास कैरी के लिए रह गया, है ना। अब स्टूडेंट 3 पे होगी तो अब हम 9 पर चलाएंगे, 7 का टेबल 9 टाइम पड़ेंगे या 9 का टेबल 7 टाइम पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 63। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 5 और 6, कितना होगा 56। तो स्टूडेंट यहाँ 5 लिख देंगे और जो 10 प्लेस पर है वो कैरी के लिए फिर रह जाएगा, है ना। अब 9 पे होगा तो अब 2 है जी, अब 7 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे, 7 2 14, और ये कैरी हमारे पास पहले थे स्टूडेंट कितने हो गए 20। तो अब यहाँ पे 20 लिख देंगे क्योंकि नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है जो उसके लिए हमारे पास बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब पहले डिजिट के नीचे एक क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, है ना। अब 8 का मान लीजिए 7 खत्म हो गया, अब 8 है इससे करेंगे, ठीक है जी।
8 6 48। तो स्टूडेंट यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 4 कैरी के लिए चले जाएगा। 8 3 24 और 4 28 हाँ जी, कैरी 2 8 9 जा कितने हो गए 72 और 2 74। तो स्टूडेंट यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 7 कैरी के लिए रह जाएगा। 8 2 16 16 और 7 23 तो स्टूडेंट ये हो गया। अब नेक्स्ट 2 और बच रहा हमारे पास, तो अब यहाँ पे 2 क्रॉस करेंगे। हर बार जितनी डिजिट होगी क्रॉस बढ़ाते हुए चले जाएंगे स्टूडेंट। अगर एक डिजिट और होती तो 3 क्रॉस आएंगे नेक्स्ट रो में। अब स्टूडेंट 2 6 12 कैरी 1, 2 3 6 7 2 9 18 कैरी 1, 2 2 4 1 5 ठीक है जी। अब इन्हें ऐड कर लीजिए आप, 2 का 2 ही है जी, 8 और 5 कितने हो गए 13 कैरी 1, और 8 और 2 10 और 5 15 और 1 16 कैरी 1, और जी 7 और 1 8 और 4 12 कैरी 1, और जी 8 और 2 10 और 3 13 और 1 14 कैरी 1, और 5 और 3 8 ओके स्टूडेंट। तो जी ये आंसर आपका सही हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट अब ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार होने वाला है। ठीक है जी, 7 का टेबल 4 टाइम पढ़िए या 4 का टेबल 7 टाइम पढ़िए, इतना हो जाएगा जी 28। तो 8 यहाँ पर आ जाएगा और जो 2 रह गया वो कैरी के लिए रहेगा। 7 3 जा 21 या 3 7 जा 21 21 में 2 ऐड कर दिया 23 हो जाएगा। तो स्टूडेंट 2 कैरी रहेगा। 7 1 जा 7 2 9 और 7 7 जा 49 ठीक है जी। 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6 और 5 7 जा 35 8 3 6 6 0 4 ओके स्टूडेंट, आपका ये आंसर है ना। आप ऐड करके देख सकते हैं है ना स्टूडेंट। इतने क्वेश्चन हमने समझा दिया आपको मल्टीप्लाई के, अब थोड़ा सा फास्टली कर लेते हैं है ना। आप अपनी रफ कॉपी पे भी निकाल के देख सकते हैं। 6 7 2 4 9 2 तो स्टूडेंट हमने आपको बताया था 2 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है ऊपर की डिजिट को डबल कर दो है ना। 4 4 8 2 2 4 7 7 14 कैरी 1 6 6 12 और 1 13 ओके स्टूडेंट। देखिए ये आंसर आ गया, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही होगा। 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 कैरी 1 और 2 6 जा 12 और 1 13 ओके स्टूडेंट। देखिए आया ना वही। अब जी 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 2 जा 18 18 और 3 21 कैरी 2 और 7 6 जा 63 और 2 65 कैरी 6 और 6 9 जा 54 54 और 6 60
तो स्टूडेंट अभी ऐड कर लीजिए 8 5 4 10 कैरी 1 4 5 6 और 5 3 8 0 1 1 और 6 का 6। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, यानी कि अब तक हो गया, आगे भी रह रहे इसमें स्टूडेंट, जी एच तक है ना। तो स्टूडेंट इसका जी वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 3 2 1 6 1 8 3, ठीक है जी। अब इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, 6 3 जा 18 कैरी 1, 3 3 3 1 जा 3 और 1 4, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, पहले डिजिट के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, अब 3 के बाद क्या है, 8 की मल्टीप्लाई भी इन सब में ही होगी, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 और 4 12 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25। ओके स्टूडेंट, अब एक क्रॉस और लगा लेंगे, अब वन से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट सेम की सेम डिजिट आएगी, 1 मल्टीप्लाई के बाद में 1 क्रॉस आता है, नीचे 2 क्रॉस आते हैं, ठीक है जी। 6 1 2 3, अब इन्हें ऐड कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, जैसा हमने यहाँ 1 क्रॉस लगा दिया था और फिर हम इसे करते तो आंसर गलत आ जाता है ना। 8 का 8 8 4 12 कैरी 1, अब कितने हो गए, 6 6 12 और 2 14 और 1 13 कैरी 1 9 1 10 और 8 18 कैरी 1 8 और 5। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया, ठीक है जी। 5 2 2 4 3 7 4। ओके स्टूडेंट, अब मान लीजिए ये 3 7 नहीं है, आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है। स्टूडेंट मान लीजिए आपको इसे देख कर भाई 374 को देख कर ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे से होता ही नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, तो आप इन दोनों को रिमूव कर दीजिए, बस 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ओके स्टूडेंट, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर ली। अब स्टूडेंट ने सोचा आप यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 7 है बस खाली, 7 से मल्टीप्लाई करना है, पहले डिजिट के चेक करो है ना, वो तो अपने मन की तसल्ली है भाई, हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डबल डिजिट हमसे आती नहीं है ना। तो अब स्टूडेंट 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15 कैरी 1 और 7 5 जा 35 और 1 36। सेवन फोर जा 28 कैरी 2 और 7 2 जा 14 2 लगी कैरी, 7 28 7 से लगे 2 7 14 15 16 7 2 जा 14 और 1 15 कैरी 1 और 7 5 जो 35 और 136।
तो जी कंप्लीट हो गया हमारा। अब स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ पे सेवन भी नहीं है, थ्री है ना, सोच लीजिए बस यहाँ पे थ्री है, तो स्टूडेंट यहाँ पे दो क्रॉस आ जाएंगे। अब थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री फोर जा ट्वेल्व कैरी वन, थ्री टू जा सिक्स और वन सेवन, थ्री टू जा सिक्स और थ्री फाइव जा फिफ्टी, ठीक है जी। अब सारी मल्टीप्लाई होगी तो स्टूडेंट आप इन सबको यहाँ लिख सकते हैं, है ना। बस आपके मन को तो सही हुई कि भाई हमने तो सेवन से ही मल्टीप्लाई करा, फोर से ही करा, थ्री से ही करा, वन डिजिट आपसे आती थी और डिजिट नहीं आती, तो स्टूडेंट इन्हें आप अलग अलग करके यहाँ पे लिख सकते हैं इस पर का, ठीक है जी। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, जो दो लाइन के बीच में होंगे यही ऐड होंगे, सिक्स का सिक्स एट और नाइन सेवनटीन कैरी वन, एट और टू टेन और सिक्स सिक्सटीन और वन सेवन कैरी वन, स्टूडेंट फाइव और वन सिक्स, सिक्स और सेवन थर्टीन कैरी वन, सिक्स सिक्स ट्वेल्व और टू फोर्टीन और वन फिफ्टीन कैरी वन, और जी थ्री और वन फोर और फाइव नाइन और वन के वन। ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर है जी टू, फाइंड द मल्टीपल। स्टूडेंट इन्हें भी मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है, तो इन्हें भी ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार होने हैं जिस प्रकार ये हुए। स्टूडेंट सेम के सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जी शुरू करते हैं। सिक्स जीरो जीरो, सिक्स नाइन जा फिफ्टी फोर कैरी फाइव, और सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर और टू फाइव नाइन। ओके स्टूडेंट, अब क्रॉस लगा दिया, अब सिक्स से हो गया, अब सेवन से करेंगे, सेवन जीरो जीरो, सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री कैरी सिक्स, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट और सिक्स थर्टी फोर, अब स्टूडेंट टू क्रॉस ऐड होंगे, वन से कर रहे हैं तो सेम का सेम रहेगा, जीरो फोर नाइन और थ्री ट्वेल्व कैरी वन, नाइन वन टेन और सिक्स सिक्सटीन कैरी वन, और यहाँ कितना हो जाएगा जी एट हो जाएगा, ठीक है जी। स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया आपका। अब ये वाला देखेंगे, फाइव टू जा टेन कैरी वन, फाइव एट जा फोर्टी और वन फोर्टी वन कैरी फोर, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव और फोर थर्टी नाइन। अब स्टूडेंट टू से करेंगे, टू टू जा फोर, टू एट जा सिक्सटीन कैरी वन, और टू सेवन जा फोर्टीन और वन फिफ्टीन। अब दो क्रॉस आ जाएंगे, थ्री टू जा सिक्स, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर कैरी टू, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन और टू ट्वेंटी थ्री। अब ऐड कर लीजिए, जीरो फाइव कितने हो गए जी नाइन और जी सिक्स फिफ्टीन, फिफ्टीन और सिक्स ट्वेंटी वन कैरी टू, और थ्री और टू फाइव, फाइव टेन और फोर फोर्टीन कैरी वन, या फाइव हो जाएगा या टू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एट से मल्टीप्लाई करेंगे, एट एट फोर जा, एट फोर जा थर्टी टू ओम, तो स्टूडेंट टू यहाँ जाएंगे, थ्री के लिए आगे लिए रह जाएंगे, एट सिक्स जा फोर्टी एट, फोर्टी एट में थ्री ऐड कर देंगे फिफ्टी वन हो जाएगा स्टूडेंट, वन यहाँ आ जाएगा, फिर फाइव कैरी के लिए रह जाएगा, है ना। एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन और फाइव ट्वेंटी वन कैरी टू, और एट थ्री जा ट्वेंटी फोर और टू ट्वेंटी सिक्स
अब यहाँ पहले डिजिट के नीचे क्रॉस, अब फोर से करेंगे, फोर फोर जा 16 कैरी वन, अब जी फोर सिक्स जा 24 और 125 कैरी टू, अज 42 जा 8 और 210 कैरी वन और 43 जा 12 और 130। हो गया जी, अब दो क्रॉस लगाएंगे और 3 4 जा 12 कैरी वन और 3 6 जा 18 और 119 कैरी वन और 3 2 जा 6 और 17 और 3 3 जा 9। ओके स्टूडेंट, अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 2 का 2 7 और जी 8 और 5 और जी 13 और यहाँ हो जाएगा जी 11। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया है ना। अब डी वाला क्वेश्चन देख लीजिए इसका। अब जो डी वाला क्वेश्चन, 6 की मल्टीप्लाइंग सब में करेंगे, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 7 जा 42 और जी 3 45 कैरी 4 और 6 6 जा 36 और 4 40 कैरी 4 और 6 9 जा कितने हो गए जी 6 9 जा 54 और 4 58। अब पहले डिजिट के नीचे क्रॉस, अब 5 से करेंगे इसी प्रकार, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 35 और 2 37 कैरी 3 और 5 6 जा 30 और 2 32 कैरी 3 और 5 9 जा 45 45 और 3 48 और 2 क्रॉस लग जाएंगे जी, 4 0 4 5 जा 20 कैरी 2 और 4 7 जा 30 28 और 2 30 कैरी 3 और जी 4 6 जा 24 और 3 27 कैरी 2 और जी 4 9 जा 36 और 2 38। अब ऐड कर लो 0 5 5 10 की 0 7 और 1 8 और 9 और 2 10 कैरी 1 और स्टूडेंट 7 और 1 8 8 8 कितने हो गए 16 16 और 5 21 कैरी 2 8 और 2 10 और 4 14 24 नहीं 14 जी कैरी 1 और 3 और 1 4। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया, जो क्वेश्चन नंबर 2 था जी ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि आपको इनका गुणनफल ज्ञात करना। स्टूडेंट आप ध्यान से सुने, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी 16 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, जो लास्ट में आंसर आ जाएगा वही आंसर होगा, ठीक है। स्टूडेंट करते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, 3 टू जा 6, 3 5 जा 15, तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया, ठीक है जी। अब इस आंसर को हम यहाँ लिखेंगे, अब इसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई आंसर आ गया, तो ये आंसर जो आया ना स्टूडेंट इन दोनों का इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है जी। 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 5 जा 30 और 3 33 कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9। ओके स्टूडेंट, अब 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ऊपर की सेम डिजिट आ जाएगी, सिक्स का सिक्स सिक्स और थ्री नाइन और नाइन और फाइव फोर्टीन कैरी वन और वन वन टू। तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया आपका 2496।
ठीक है जी। तो ये सवाल इस प्रकार होंगे, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे। ओके स्टूडेंट, ये 84 है, 84 की मल्टीप्लाई 19 से होगी स्टूडेंट, ठीक है जी। 9 4 36 केरी 3 और 9 8 72 और 3 75 और मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 4 का 4 8 का 8 नुक नहीं रहेगा स्टूडेंट, 6 का 6 9 और 8 7 15 तो ये आ गया। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं अलग, अब इसकी मल्टीप्लाई स्टूडेंट 3 के साथ कर देते हैं, ठीक है जी। अब करिए 3 6 18 कैरी 1 और 3 9 27 और 128 कैरी 2 और 3 5 15 और 2 17 कैरी 1 और 3 1 3 और 1 4। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर है इसमें, इसमें ये आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अब स्टूडेंट अगर देखिए ये 8 है, ये 33 है, अगर आप 8 को ऊपर लिखते हैं 33 को नीचे लिखते हैं तो आपको दो बार मल्टीप्लाई करनी होगी। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि अगर इनके प्लेस चेंज कर दिए जाए आंसर फिर भी वही आएगा, है ना। तो स्टूडेंट हम प्लेस चेंज कर लेते हैं, बड़ी डिजिट ऊपर लिख लेते हैं, छोटी नीचे लिख लेते हैं, तो इससे हमें एक ही बार मल्टीप्लाई करनी होगी, है ना। 8 3 24 कैरी 2 24 2 26। ओके स्टूडेंट, अब जो भी आंसर आया इसकी मल्टीप्लाई आप 4 के साथ कर देंगे, 4 4 16 कैरी 1 और 4 6 24 और 125 है जी कैरी 2 और 4 2 8 2 10। तो जी आंसर आ गया, अब स्टूडेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 125 की मल्टीप्लाई 24 में करेंगे, पहले 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, फिर 1 में करेंगे, ठीक है जी। 4 वैसे 125 4 जो 500 होता है ना, तो स्टूडेंट 4 5 20 कैरी 2 4 2 8 2 10 कैरी 1 4 5 4 1 5। अब 2 का 2 की मल्टीप्लाई पहले 5 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, फिर 1 में करेंगे, 2 5 10 कैरी 1 2 2 4 1 5 और जी 2 1 2। क्या कर दिया, तो स्टूडेंट ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ कर रहे, 1 के साथ कर रहे तो सेम के सेम नंबर आएगा और ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी है आपका, डी तो हो गया। क्वेश्चन नंबर ई 2 6 1 67 7 1 7 7 6 42 कैरी 4 7 2 14 और 4 18। अब स्टूडेंट 6 के साथ करेंगे, 6 1 6 6 6 36 कैरी 3 6 2 12 और 3 15। अब ऐड कर लीजिए 7 का 7 6 2 8 और जी 6 2 6 और 8 14 एरी 1 5 और 1 6 और 1 7 और ये आ गया, ठीक है। अब जो भी आया इसकी मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे,
सेवन के साथ कर लेंगे। ठीक है जी, सेवन 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 जा 49, कैरी 4, सेवन एट जा 56 और 4 50, 6 और 4 60, कैरी 6 और 7 4 जा 28 और जी 6 34, कैरी 3, 7 7 जा 49 और जी 3 52, कैरी 5, 7 1 जा 7, 7 और 5 कितने हो गए जी 12। तो जी आंसर आ गया आपका। ओके स्टूडेंट, आप नेक्स्ट 4 5 1 2 0 1 वन से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम का सेम आंसर आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। पहले डिजिट के नीचे क्रॉस लगाएंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों डिजिट जीरो हो जाएंगी, फिर टू क्रॉस के चिन्ह लगाएंगे, अब टू से करेंगे तो टू, टू फाइव जा 10, 2 4 जा 8 और 1 9। ओके स्टूडेंट, अब ऐड कर लीजिए 1 के 1, 5 के 5, 6 के 6, 0 के 0, 9 के 9। ओके स्टूडेंट, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट, इसमें भी आपको इनके गुणनफल निकालने, जैसे 3 क्वेश्चन में किया था, सेम उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 4 2 लिख लेंगे स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 4 जा 36 और 1 37, कैरी 3 और 9 2 जा 18 और 3 21। अरे स्टूडेंट, इसे यहाँ पे लिख लेंगे अलग से, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, जो आंसर आएगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये आना आंसर 2178, तो अब इसे यहाँ लिख लेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है जी, 6 8 जा 48 कैरी 4 और 6 7 जा कितने होते हैं जी 42 और 42 और 4 46 कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 30। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 7 से करेंगे, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 7 जा 49, 49 और 5 54 और 7 1 जा 7 7 और 5 12 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15। स्टूडेंट अब इन्हें ऐड कर लेंगे, 8 का 8, 6 2 12, 4 1 5, 3 2 5, 5 1 6 और 1। तो स्टूडेंट अब ये आ गया 1 6 5 5 2 8,
ओके स्टूडेंट, अब इसकी मल्टीप्लाई से करनी 101 से। ओके स्टूडेंट, अगर हम जानते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की डिजिट सेम की सेम आ जाएगी, आ गई। अब पहले ही डिजिट के नीचे क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करें तो सभी डिजिट 0 हो जाएंगी। अब 2 क्रॉस आ जाएंगे, 1 से कर रहे तो फिर सेम आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप ऐड कर लीजिए 8 के 8, 2 का 2, 8 5 13, और 5 2 7 और 1 8, और 6 और 5 11, carry 1, और 5 और 1 6 और 1 7, और 6 का 6 और 1 का 1। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 18 मल्टीप्लाई 20, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे तो सब 0 हो जाएंगे, पहले डिजिट के नीचे क्रॉस, 18 2 36। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब इसकी मल्टीप्लाई का एमए करेंगे, तो स्टूडेंट वैसे तो हम इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, दोनों जीरो को छोड़ सकते हैं, फिर बाद में लगा सकते हैं, लेकिन यह हम शॉर्ट मेथड से नहीं कर रहे, इसलिए पूरे ही उससे करेंगे। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ऊपर की सभी डिजिट 0 हो जाएंगी। अब 7 0 0, अब 7 6 20 42, 4, और 7 3 21, और 4 25, अब 6 0 0, 6 6 36, कैरी 3, 6 3 18, और 3 21, 0 0 2 1, और जी 4 और 2। ओके स्टूडेंट, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाला देख लीजिए, 8 4 2 1 मल्टीप्लाई 6, 6 1 6, 6 2 12, carry 1, 6 4 24 1 25, carry 2, और 6 8 48, और 2 50। तो स्टूडेंट इतना क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अब जो आंसर आया उसे ऊपर लिख लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे जी, 18 के साथ, 8 6 48, carry 4, 8 2 16, और 4 20, carry 2, 8 5 40, और 2 42। स्टूडेंट आगे 0 है तो इसलिए 42 लिख देंगे, कैरी नहीं लगाने के। ठीक है जी, 8 5 40, अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम की सेम डिजिट रह जाएगी, थोड़ा सा गलत हो गया। 8 5 40 होता है, यहाँ 5 लिखा गया, 4 आना था। ठीक है जी, अब ये ठीक हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 2 1
मल्टीप्लाई 23 थ्री वन जा थ्री टी थ्री टू जा सिक्स थ्री फाइव जा फिफ्टी टू वन जा टू 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 जा फोर टू फाइव जा टेन थ्री एट नाइन वन वन तो इसे यहाँ लिख लीजिए वन वन नाइन एट थ्री वन वन नाइन एट थ्री। अब स्टूडेंट इसे कैसे करना फाइव से फाइव थ्री जा फिफ्टीन कैरी वन फाइव एट जा फोर्टी और वन फोर्टी वन कैरी फोर नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव और फोर फोर्टी नाइन कैरी फोर और फोर वन जा फोर फाइव वन जा फाइव और फोर नाइन और जी फाइव। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया आपका फाइव नाइन नाइन वन फाइव। ठीक है जी, अभी आपके पास एक डिजिट और बच रही स्टूडेंट, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो स्टूडेंट देखिए कोमे से ही अलग अलग डिजिट प्रदर्शित हो रही है, शो हो रही है कि ये 551 की मल्टीप्लाई 23 में होगी, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 5 में होगी, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 4 में होगी। ठीक है जी, अब देख लीजिए 4 5 जा 20 कैरी 2 4 1 जा 4 और 2 6 और 4 9 जा 36 कैरी 3 4 9 जा 36 और 3 39 कैरी 3 और 5 4 5 जा 20 और 3 23। तो स्टूडेंट क्या आंसर आएगा 239660। ठीक है जी, और ये आंसर है आपका। तो जी ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर एफ।